अब ईद पर रिलीज़ हो रही है, लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जितनी फिल्में भी आएंगी वो ईद पर आएंगी, हमारी फिल्म ईद से थोड़ा अर्से पहले आ जाएगी, प्री बुकड है। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाना चाह रही है ये फिल्म, क्योंकि हमने इस दफ़ा बहुत काम किया इस फिल्म के ऊपर और हम ये फिल्म पूरे पाकिस्तान को दिखा के रहेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी फिल्म है। मेरा रोल जो है एक कंफ्यूज पाकिस्तानी का रोल है, एक गरीब आदमी का रोल है जिसके ऊपर कुछ उधार है और उसको वो उधार चुकाना है, और वो एक अंडर कॉन्फिडेंट आदमी है बेसिकली। उसके कुछ मसले भी हैं ज़िंदगी के, उसके अपने मसले हैं जो कि फ़िज़िकल मसले हैं उसके, उसको ओवरकम करने के लिए वो एक अटैम्प्ट करता है, एक बड़ी अटैम्प्ट करता है, और वो ज़िंदगी का एक जुआ खेलता है, और जुए में देखेंगे आप वो कामयाब है या नाकाम है वो आपको नज़र आएगा। हॉरर कॉमेडी है। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये फर्स्ट प्रॉपर पाकिस्तान में जो है वो एक हॉरर कॉमेडी की का अटेम्प्ट है। इससे पहले भी हुई है बट अब प्रॉपर उसके साथ जो है वो ये फर्स्ट टाइम है। लफंगे नाम बड़ा यूनिक है। हम खुद जरा जब ये कर रहे थे तो नाम ने भी बहुत अट्रैक्ट किया कि यार होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स के कहानी क्या है, और देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, व्यूअर्स जो है वो इसको पसंद करेंगे। इतना मैं कहूँगा कि ये टिपिकल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट से भरपूर और इवन जो है वो आपको थोड़ा सा इमोशनल भी करेगी। ये लफंगे हैं, ये तो खैर जब सिनेमा में लगेगी तब पता चलेगा, लेकिन ये लफंगे क्यों हैं ये भी उस फिल्म में आपको पता चलेगा कि ये लफंगे क्यों हैं। इन चारों की एक स्टोरी है, एक बैकग्राउंड स्टोरी है, और उसके बाद ये आपस में मिलते हैं और थ्रू आउट कहानी चलती है। फिर इसमें ट्रेलर में आपने जैसे अभी देखेंगी कि भूत वगैरह भी हैं, तो वो इट्स अ परफेक्ट मिक्स। के बारे में इतना खौफ फैलाते कि कोई घर को देखने से पहले अपनी खबर के बारे में सोचे। उन्हें तक जो भी याद उठेगा। जी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है, ईद पे रिलीज हो रही है, और फन मूवी है, यूथिया फिल्म है, और ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। ऐसी फिल्म्स पाकिस्तान में नहीं बनी अभी, अपने अपने जॉनर में बिल्कुल यूनिक फिल्म है, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस के लिए ईद ट्रीट होगा हमारी तरफ से, एंड दे एंजॉय अ लॉट। फिल्म का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग हुआ है, और फिल्म की शूट पूरी कराची में शमसी स्टूडियो में शूट हुई है फिल्म, तो ये उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। देखिए फिल्म अच्छी या बुरी होगी, छोटी या बड़ी, मेरे लिए मैटर नहीं करती। फिल्म अच्छी होगी चलेगी, चाहे वो किसी की भी हो। फिल्म बुरी है तो वो नहीं चलेगी अगेन, चाहे किसी की भी हो। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन रिजल्ट आवाम ने देना है और रिजल्ट बॉक्स ऑफिस से डिटरमिन होता है, तो उसके बारे में तो शाहरुख खान कमेंट नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा। मेरा करेक्टर हो, खैर जब फिल्म बीन देखेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन ये टोटल फिल्म जो है ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। कॉमेडी और सस्पेंस है इसमें, और ये टेक्निकली बहुत सुपर है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पर एहतशाम ईटी के नाम से मशहूर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसमें काम किया टेक्निकली। वैसे जो हमारे डायरेक्टर हैं खालिक साहब, उसकी बड़ी मेहनत है, उसी ने लिखी है, जाहिर है उसका बेबी है ये, तो हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं। हालांकि तीन फिल्में, एक अंग्रेज़ी फिल्म और दो पाकिस्तानी फिल्में, कायदे आज़म और लंदन नहीं जाऊंगा, बहुत सी दुआएं हैं उसके लिए, ज़रूर हमारी पाकिस्तान की फिल्म है वो भी कामयाब हो, ये अपनी जगह खुद बनाएगी और वो ही मज़ा है। मेरा कैरेक्टर इसमें शेडी है, शेडी एज इन बहुत सारे शेड्स हैं, ये कहना चाह रही थी, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स में मुझे देखा गया अब तक उनसे बहुत डिफरेंट है। सारा बता दूंगी तो फिर फिल्म कैसे देखेंगे आप लोग, सो डू वॉच द फिल्म और फाइंड आउट कि क्या करेक्टर है। मुझे लगता है मैंने थिएटर भी किया है, दिस वॉज अ प्लेस राइट नाउ इन आर्ट्स काउंसिल, मैं आज से 5 साल पहले यहाँ पे आई थी और यहीं से सेलेक्ट होकर मैं ड्रामा इंडस्ट्री में गई थी और फिर ड्रामा से टू फिल्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं कह सकती हूँ मैंने तीनों मीडियम कर लिए हैं। तीनों मीडियम की जो एक हार्ड वर्किंग है वो अपनी अपनी जगह है। फिल्म की अपनी एक मेहनत है, ड्रामे की अपनी मेहनत है, थिएटर की अपनी मेहनत है, लेकिन मुझे मज़ा इसलिए आया कि ये हमने आई गेस ऑलमोस्ट 28 डेज में ख़त्म कर दी थी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, मेरे साथ तो ये हुआ एक्सपीरियंस। बॉडी के इतने से हिस्से में से इतना बड़ा अंडा निकाल सकते हैं, तो तुम लोग इतने बड़े सीओ में से इतना सा डल नहीं निकाल सकते। स्क्रिप्ट की खास बात यह है कि चारों लफंगे की अपनी अपनी एक चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो आपको डिस्क्लोज होंगी। यही बता सकते हो कि इस कैरेक्टर का नाम अली है,
और बाकी आप सब आपको सिनेमा में जाके देखना पड़ेगा कि हर लफंगे का क्या इशू है और वो क्यों ऐसा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने एक डिफरेंट जॉनर ट्राई किया है एंड हमें ईद की रिलीज़ मिली है, इट्स अ गुड थिंग। और आई थिंक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा डर भी लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह मालिक है, पूरी मेहनत की अल्लाह पाक इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह। क्यों कपिटान